खातिर कसम है हम तो अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे। इससे पहले एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हम पढ़ाए थे, हम इससे पहले आप लोगों को एजेंट ऑफ पॉलिनेशन यानी कि निषेचन के एजेंट अगुआ पढ़ाए थे। आज हम फर्टिलाइजेशन इन प्लांट जानेंगे, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, पौधों में निषेचन कैसे होता है। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग फूलों पर होते हैं, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग फूलों पर होते हैं। इसमें निषेचन के लिए मेल फीमेल के पास नहीं आता और फीमेल मेल के पास नहीं जा पाता है, जिसके कारण इसमें एजेंट आते हैं जो हम आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिए थे। आज हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन इन प्लांट एंड पौधों में निषेचन क्या है। इसमें मेल भाग किसी एयर या पक्षी या कीड़े मकोड़े के द्वारा फीमेल पर चलाता है, यह फ्लावर का आप फीमेल भाग है, यह फूल का फीमेल भाग है। आप एक अड़हुल का फूल लेंगे, उसके चारों पट्टी का पंखुड़ी नोच कर फेंक देंगे तो बीच में ऐसा आकार आपको मिलेगा जो ऊपर में होता है उसका स्टिग्मा। यह स्टिग्मा होता है, इसी पर मेल भाग आते हैं और स्टिग्मा मेल भाग को यानी कि मेल भाग को न्यूट्रिशन यानी कि फूड प्रदान करते हैं एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे मेल भाग अग एनर्जी लेकर यहाँ से मूव करना चालू करते हैं और यह मूव करते हुए ओभड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। ये है आपका ओभड़ी ये, और ये आपका दूसरा नंबर जो लाइन दिखा रहा है यह बीजांड का दिखा रहा है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, इसमें फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि मेल और फीमेल में यानी कि पुरुष यानी कि मानव में ये सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसके कारण उसमें फल और बीच में बीज का निर्माण होता है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है। यहाँ से यह मूव करके यहाँ यह पहले ओभड़ी में निषेचन क्रिया करता है और उसके बाद यह बीजांड से निषेचन क्रिया करता है। ओभड़ी से निषेचन क्रिया करने के बाद वह फल का निर्माण कर देता है, लेकिन वह बीजांड से निषेचन क्रिया नहीं करेगा तो उस वैसे फल में बीज का निर्माण नहीं होगा। हाँ, तो आप लोग सेव का फल होता है उसमें बीज कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि उसमें डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन नहीं होने के कारण ही होता है। केला हो गया, अंगूर हो गया, उस समय डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन आप आम में डबल फर्टिलाइजेशन होता है मैंगो नींबो इस सब में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण रूप से होता है, जिस कारण उसमें बीज का भी निर्माण होता है और वह बीज नए पौधा में उत्पन्न करने में उपयोगी होते हैं। यहाँ पे यह गोलाकार संरचना आपका पॉलिन ग्रेन जो मेल भाग है और यह पॉलिन ट्यूब है जिसके माध्यम से वह मूव करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। आप लोग कमेंट भी कर पूछ सकते हैं बायोलॉजी के कुछ भाग या अपने बॉडी के कुछ भाग के बारे में हम आपको बताएंगे। अब आगे इंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणोद्भव क्या है, इंडोस्पर्म क्या है, हम आप लोग को बताएंगे इंडोस्पर्म क्या है। इंडोस्पर्म जब निषेचन की क्रिया हो जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाने के बाद उसमें भ्रूणोद्भव का निर्माण होता है, इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इंडोस्पर्म यह एक प्रकार का पोषक उत्तक होता है, इंडोस्पर्म एक प्रकार का पोषक उत्तक होता है जिसका निर्माण त्रिसंयोजन क्रिया के द्वारा ओभड़ी के अंदर होता है। त्रिसंयोजन इसमें पहले बीजांड से कुछ रिएक्शन होते हैं, उसके बाद इसमें दोहरा
केंद्रक भी होते हैं, जिससे वह निषेचन क्रिया करने के बाद न्यू फ्रूट का निर्माण करते हैं और कुछ पोषक तत्व जमा कर लेते हैं। भ्रूणोद्भव को 3N से सूचित किया जाता है क्योंकि उसमें 3 न्यूक्लियस बने हैं, सब में ये 1 न्यूक्लियस होते हैं और एक न्यूक्लियस और मिलते हैं तो डबल न्यूक्लियस, इसलिए उसे 2N से सूचित किया जाता है। इसमें एक न्यूक्लियस है और डबल न्यूक्लियस वाले से निषेचन किया इसलिए इसे 3 न्यूक्लियस, इसमें 3 न्यूक्लियस बने। न्यूक्लियस क्या होता है आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस होता है किसी भी जीव का मुख्य लक्षण को वह एकत्रित कर लेता है और आने वाला संतान में वह ट्रांसफर करता है, उसे न्यूक्लियस बोला जाता है। आप लोग देखे होंगे गांव देहात में ये बोलता है कि एकदम बापे पर गया है वो या माए पर गया है, ये भाषा आप लोग सुनते होंगे। तो वो उसका गुण जो है बाप वाला कुछ माए में, माए वाला गुण बेटी में और बाप वाला कुछ बेटा में आ जाता है, तो वही होता है न्यूक्लियस ही लाता है। उसके अंदर कुछ माता का या पिता का गुण जो होता है वो ढोकर उसके बच्चा में डाल देता है, जिस कारण उसका कुछ लक्षण अपने माँ बाप से मिलता है। जैसे में उसका शकल हो गया, हेयर का विकास, जैसे में माँ का कान में या बाप का कान में कुछ हेयर उत्पन्न होता है या जन्मता है, या छाती पर बाल पिता का, वो इस मुख्य लक्षण है जो उसके चाइल्ड में बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, यही क्रिया होता है। इंडोस्पर्म भी वही है। अब न्यूक्लियर इंडोस्पर्म केंद्रीय भ्रूणोद्भव, केंद्रीय भ्रूणोद्भव यह एक टॉपिक है। केंद्रीय भ्रूणोद्भव वैसे भ्रूणोद्भव जिसमें केंद्रक विभाजित होने के बाद अनेक केंद्रक बनाता है, एक केंद्रक है वह विभाजित होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे केंद्रक का निर्माण कर देता है, तो उसे न्यूक्लियस इंडोस्पर्मिक कहा जाता है। जैसे में यह क्रिया मकई में होता है, आम में तो एक बार निषेचन हुआ सिर्फ एक ही फल का निर्माण हुआ, लेकिन मकई में निषेचन होने के बाद उसमें बहुत मात्रा में ये बीज आते हैं। मकई एक बाल में तो 100-200 एकदम दाना निकलते हैं, तो वो सब है चावल हो गया, चावल में एक बाल लेंगे तो 100-200 उसमें से दाना निकलेगा, और गेहूं हो गया, जई हो गया, ये सब इसके लक्षण है न्यूक्लियर और इंडोस्पर्म का। अब सेलुलर इंडोस्पर्म कोशिकीय भ्रूणोद्भव, अब इसमें होगा कि उसमें केंद्रक विभाजित होगा, इसमें केंद्रक नहीं विभाजित होगा, इसमें कोशिका सहित विभाजित हो जाएगा। एक कोशिका का स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो गूगल पर आप सर्च मार लीजिए।